Yeah. God bless all. Os! Os! The student here and hello and people of the city and hello of India people. God bless all. I'm very happy that come in here for the development and in the martial arts and karate and peace and friendly and all consolation and something teaching karate and martial arts to all master in here. वो जैसे कि नरकटिया गैज में स्पेशली मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग क्लब खुला हुआ है और जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस करने के लिए काफी, और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं सीधे अमिया वर्ल्ड पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे इम्पैक्टफुल होगा और पर्सनालिटी डेवलप होता है। जैसे मार्शल आर्ट्स आप सीखते हैं अपना खुद के बचाव करते हैं, तो यहाँ आज फर्स्ट डे का एक इनॉग्रेशन था, एक ओपनिंग था, तो यहाँ पर खिलाड़ी जो प्लेयर्स हैं अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये इस तरह से तमाम गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यहाँ पर ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये देखिए, और ये सेल्फ डिफेंस जो खुद के आत्मरक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर गर्ल्स जो हैं तैयार हैं परफॉर्मेंस कर रही हैं, स्पेशली नकड़ियागंज में जो ओपनिंग हुआ है मार्शल आर्ट्स का, तो यहाँ पर इम्पावर करने के लिए स्पेशली गर्ल्स जो अपने आप को डिफेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस तरह का आर्ट्स, और स्पेशली जो ये गर्ल्स हैं अपने देश के लिए मेडल भी जीत कर लाती हैं। तो नकड़ियागंज में क्लब ओपन हो गया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रोल निभा सकता है गर्ल्स के लिए स्पेशली जो देश के लिए। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप बिल्कुल जो भी है यहाँ नरकटियागंज की जो भी प्लेयर है लड़के लड़कियाँ बहुत ही सुरक्षित ब्रांच है ये। आज तक आप लोग का शिकायत होता था कि ओपन में लड़कियाँ कैसे कर पाएंगी, ठंडे में होता था कि हाँ भाई कहीं पैरालाइज ना हो जाए, गर्मी में लू ना लग जाए, इन सब चीज को देखते हुए बिल्कुल साइंटिफिक क्लब है हमारा, इसमें आप बिल्कुल आ सकती हैं और पूरी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी जिसको मॉनिटरिंग हम लोग डायरेक्ट हेड ब्रांच से करेंगे ताकि लड़कियां और बच्चे सुरक्षित रह सके। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर के साथ में हम लोग समय समय पर लाइव भी हम लोग आएंगे, एग्जाम से रिलेटेड हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जो कि मन में मलाल रहता था कि हाँ वैसे ही मिल जाता था कुछ होता नहीं था, तो हम ये भी करेंगे। एक और भी मलाल था कि बिहार में विदेशी कोच नहीं आते हैं, हम हमेशा अपग्रेड करेंगे विदेशी कोचों के साथ में। और एक और बात, हम यहाँ पे विकलांग खिलाड़ियों नरकटियागंज के सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ के जो भी विकलांग खिलाड़ी जिन्हों लगता है कि कुछ नहीं कर पाते हैं आप हमारे क्लब में बिल्कुल आइए, आपकी मात्र 25% पैसा लगेगा, ये हमारा ऊपर से है, ये ब्रांच हेड का नहीं है, हमारा ऊपर से इस चीज का आदेश है। और जो भी अनाथ खिलाड़ी आपको दिखे, जो अनाथ जिनके माता पिता नहीं है वो खिलाड़ी हमारे यहाँ है, हम उनको सिखाएंगे, हम उनको खेलने की सुविधा, हम उनको आने जाने की सुविधा, प्लस वहाँ पे रहने खाने की पूरी गेम की सारी फैसिलिटी मैं अपने फंड से, सियान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव अपने फंड से देंगे, पूरी खर्चा उनके उठाएंगे पूरा खेलने तक का, और उनको एक न एक दिन एक कामयाब इंसान बनाएंगे, कामयाब प्लेयर जरूर बनाएंगे ताकि इंडिया को अच्छा मेडल मिल सके। थैंक यू। आसिफ जी, कब आपको आइडिया आया कि मार्शल आर्ट्स एक तरह से इसका ओपनिंग किया जाए, सिखाया जाए बच्चों को, खासतौर पर नकड़ियागंज में, बताएं? लगभग 2 सालों से मेरा प्लान चल रहा था, और मैं मेरे गुरु किशकांत तिवारी और राहुल सर हमारे जो सियान इंजीनियर हैं उनके थ्रू मैं बात किया, सियान इंजीनियर ने बोला कि यहाँ पे मतलब कि मैं एक अकेला था यहाँ पे और मार्शल आर्ट यहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए वजह से मतलब दिमाग में आ रहा था कि और सब मेरे अलावा और बच्चे भी यहाँ पे सीखे, इस चीज़ को जाने। और सारा मैं जब गेम खेल गया सवाल, यहाँ पे लोगों का कुछ मालूम नहीं सवाल है क्या, तो मैं पूछ रहा था, बात मीडिया वालों को भी पूछा था आखिर सवाल है क्या, तो फिर उसको डिफाइन करना पड़ा, आखिर इस चीज़ को यहाँ पे डालना पड़ा, मान लीजिए लोगों को अंदर जागरूक हो इस चीज़ को। तो लगभग 2 साल से ये प्लान चल रहा था, और बहुत बहुत धन्यवाद सियान सर का और हमारे कांशु स्टार का और किशकांत तिवारी का जो ये सपोर्ट करके, और ये छोटी सी जगह पर मान लीजिए कांशु स्टार यहाँ पे नीदरलैंड से आए, इसके लिए बहुत इसके मतलब मार्शल आर्ट के थ्रू सोसाइटी में क्या इम्पावर करने की कोशिश आप करें, इम्पावर मतलब कि सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या करें?
मार्शल आर्ट से तो मान ले कि एक तरफ से तो फिजिकली स्ट्रांग लुक रहते हैं, जिस तरह से मान लेंगे आज के डेट में, और आज के डेट में हमारी एज के बच्चे बहुत नशा कर रहे हैं, तो इस चीज़ से मान लें कि उससे छुटकारा होगा इस चीज़ से, ठीक रहे जिससे, और एक फिजिकली स्ट्रांग हो गए से हमारे पालने के जगह का थोड़ा सा इम्प्रूव होगा इस पैलेस का। और स्पेशली पेरेंट्स को जो एरियाज ऑफ नकड़ियागंज के हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसको लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए? पेरेंट्स को तो हम बोल रहे मान लें कि जो भी गेम हो, ठीक है, जो भी गेम हो, अपने बच्चे के लिए मान लें कि फिटनेस रखने के लिए, मार्शल आर्ट हो, शराब या अदर गेम कोई भी हो, तो अपने बच्चे के लिए इस गेम में डालना चाहिए, जिससे फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग रहे। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक एम्पावरमेंट की बात है, लड़कियाँ मजबूत होती ही हैं। एम्पावरमेंट के जगह पे अगर कहें कि उनको मौका दिया जा रहा है ज्यादा, वो ज्यादा सही रहेगा। जी जी। और हमारे जिस तरीके से बेटियाँ अभी हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो खेल में भी उन्हें अच्छा मौका मिलेगा यहाँ खुलने के बाद, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। पेरेंट्स क्या अपील करना चाहिए पेरेंट्स से, स्पेशली पेरेंट्स से मैं यही अपील करूंगी कि वो आकर के विजिट करें एक बार यहाँ पे, और कोशिश करें कि एक घंटे का समय उनकी बच्ची के लिए वो निकाल पाए, स्पेशली गर्ल्स जो है उनके लिए, और बाकी जो भी सीखने के लिए आना चाहते हैं एक घंटे का समय निकालें, जिससे कि वो फिट रहेंगे, और खुद फिट रहेंगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा उनका, जिससे कि उनका बाकी जो है मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और वो बाकी काम भी सही से। मैं आपके नाम शिल्पी सचिव इंडिया जनरेशन का। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के हमारे साथियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है कि आप लोग इतने शानदार प्रोग्राम को पूरे क्षेत्र में ले जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ पर एक मार्शल आर्ट का हुआ शो जो क्लब है वो खुल रहा है, और उसके लिए इसके डायरेक्टर यहाँ के जो आसिफ अनवर हैं उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया है, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों, खासतौर से बच्चियों को अपने सुरक्षार्थ के सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण ये साधना है जो कर पाएंगी और सुरक्षित रूप से कर पाएंगी। इसके लिए मैं इसके जो डायरेक्टर हैं राहुल श्रीवास्तव जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे ये शहर का ये गौरव है और हम सब का भी ये फर्ज है कि हम लोग इस काम को लिए जितना भी सहयोग इस क्लब को हो सकेगा, पूरे शहरवासी हर पल इनको देते रहेंगे। ये हमारी पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है पेरेंट्स स्पेशली? हाँ, मैं सभी परिवार के पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों और बच्चियों को बेझिझक इस क्लब का सदस्य बनाएं, और यहाँ पर वो अपने सुरक्षा के लिए जो भी गुण सीख सकती हैं वो इसमें वो सीखेंगी, और वो पूरी सुरक्षा के साथ ये क्लब काम करेगा। इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अपने बच्चों को भेजें। आपका सर नाम? मेरा नाम अखिलेश राज है, मैं यहीं रहता हूँ और इस नगर का पहले सभापति भी रहा था, और सामाजिक कामों में मेरी रुचि है, और ऐसे कामों के लिए मैं हृदय से, अभी तो मैं ये नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला उसका भावी प्रत्याशी हूँ मुख्य पार्षद का।